मैं टेम टेम ब्रायन पेंटी दुकान में सेल्समैन हूँ। एक्टर बमल रानी शरीन फरहाद की तो निकल पड़ी में पहली बार डायरेक्टर कोरियोग्राफर फरा खान के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। बमन फरा से काफी इंप्रेस्ड है और कहते हैं कि फरा ने एक डायरेक्टर और कोरियोग्राफर होने के बावजूद फिल्म के इन दोनों ही एस्पेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं किया और बस एक एक्टर की तरह एंट्री ली। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। तुम्हारा? फरा ने बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटजी अपनाया कि शी केम इन एज एन एक्ट्रेस विद अ क्लीन स्लेट विद एन ओपन माइंड सीखने के लिए कि मतलब आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम और मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी इस फिल्म में। अगर वो डायरेक्शन में मतलब इंटरफेयर करे या कुछ सजेशंस तो दे ही देते थे, बट कोरियोग्राफी में भी उसने हाथ, मुझे बहुत बार कहा कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करो, ऐसा मना कर दिया। प्लीज आप किसी, मैं अपने असिस्टेंट्स को ले आऊंगी, वो मुझे बताएंगे क्या करना, मैं वो करूंगी। क्योंकि दो, जैसे कहते हैं तलवार मयान में नहीं रह सकती, वैसे टू हैव टू डायरेक्टर्स ऑन सेट इज अ वेरी, अनलेस योर अब्बास एंड मस्तान, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आई मीन। लगता है बमन फरा से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए हैं। तभी तो जहां उन्हें फरा का ये अंदाज भाग गया तो वहीं उन्होंने फरा की डायरेक्टर के तौर पर भी काफी तारीफ की। I've always loved Farah. I've always admired her for what she does. She actually, you know, in a man's world making films that, you know, great men have done. She doesn't make films like a woman, a lady director. She makes films like a, didn't mean it in a bad way, like a director, you know what I mean? Also, I actually find no difference because she has no mask. She is who she is. She says what she has to say. शीरिन फरहाद की तो निकल पड़ी को बेला सहगल ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 24 अगस्त को रिलीज होगी।